Koyal, what's the delay? I don't know. मैंने सब कुछ चेक किया था पहले. It was all working. पता नहीं क्या हो गया. प्रोजेक्टर चल ही नहीं रहा है. कोयल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इम्पोर्टेंट दिन है. सारे टेक्निकल चेकअप अच्छे से करना. हाँ डीजे, मैंने चेक किया था. इनफैक्ट डबल चेक किया था. सब कुछ ठीक था. आई डोंट नो अभी. मिस्टर बेगम, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. मैं बस अभी अपनी टेक्निकल टीम को बुला के ये सॉर्ट आउट करता हूँ और फिर हम प्रेजेंटेशन करते हैं. कोई बात नहीं जनाब, खामखा वक्त जाया ना करें. प्रेजेंटेशन तो हम लैपटॉप पर भी देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन मिस्टर बेग. थैंक यू. कुल सो मिस्टर बेग, ये पोर्ट का प्रोजेक्ट हमारे लिए हमारा सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. फर्स्ट यू स्लाइड्स आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोजेक्ट. खेल अब शुरू होता है डीजे. एंजॉय. मिस्टर बेग, हमने आपके और पोर्ट अथॉरिटी के बारे में काफी कुछ रिसर्च किया है और रिसर्च में ये सामने आया है कि मिस युक्ति मुल्तानी, आई एम श्योर आपने बहुत रिसर्च की है. यू नो इट. बट क्या है ना, प्रेजेंटेशन हम महाजन दे रहे हैं. सो मे बी. ऑफ कोर्स द स्टेज इज ऑल योर्स. प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू. So, Mr. Beg, sorry. Continuing where we left. Stage to bhul gaya tumhe, lekin nachoge meri music pe. जनाब, आप इसे डिटेलिंग कहते हैं? Yes, absolutely. हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इतना प्रॉपरली डिटेल्ड प्लान आपको जरूर पसंद आएगा. आफ्टर द डिटेलिंग, नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स वी टॉकिंग अबाउट ऑल द नॉर्म्स. हम लोगों ने पोर्ट की प्लानिंग में गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को अकोमोडेट किया और अच्छे से नोटिस पर रखा. बट उसके साथ साथ हमारे थोड़े से कंसर्न्स भी हैं. मेरी पूरी रिसर्च टीम ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है मिस्टर बीट, एंड स्पेशली वर्कर रिलेटेड कंसर्न्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं. वी विल अबाइड बाई ऑल द रूल्स एंड द नॉर्म्स, बट एज द पोर्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री आपकी भी सर्टन ड्यूटीज हैं. हम लोग सब करेंगे, बट हमारी सर्टन डिमांड्स हैं जो आपको जरूर पूरी करनी पड़ेंगी. दैट्स ऑल. आपकी ये डिमांड्स मुझे समझ नहीं आ रही थी विजय. मैं कुछ समझा नहीं. ऐसी प्रेजेंटेशन दिखाकर आप कैसी गुस्ताखी कर रहे हैं मिस्टर दिग्विजय? गुस्ताखी? कैसी गुस्ताखी मिस्टर बेग? हमारी डिमांड्स तो जायज है. क्या गलत क्या है प्रेजेंटेशन में? गलत क्या है? खैर भानु प्रताप जी, मुझे आपसे अकेले में बातचीत करनी है. जी जरूर आइए. डीजे, ये क्या? What was all this? और ये क्या हुआ मिस्टर बेक ऑल ऑफ अ सडन? I don't know. I'm totally clueless, Koyal. क्या बात है बेक साहब? भानु प्रताप जी, मेरी नजरों में आपकी बड़ी इज्जत है. मैं अपनी जुबान से कह नहीं पा रहा हूं, बस हैरान हूं दिग्विजय की सोच पर. वो इस प्रोजेक्ट को लीड नहीं करेगा. लेकिन बेग साहब, दिग्विजय ने आखिर ऐसा किया क्या है? देखिए, वो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता. या तो आप मेरी बात मान लीजिए या प्रोजेक्ट पर मुझसे मदद की उम्मीद छोड़ दीजिए. ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन फिर हमारे प्रोजेक्ट को लीड कौन करेगा?
दादा बाबू, व्हाट हैपेंड? दादा बाबू, हुआ क्या? क्या कहा क्या मिस्टर बेग ने? बेग साहब नहीं चाहते कि तुम इस रॉजर को लीड करो. व्हाट? मैं क्यों दादा बाबू, मैंने किया क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता दिग्विजय, उन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया. लेकिन एक बात तो पक्की है, जरूर तुमसे कोई गलती हुई है. मुझसे गलती? मैंने किया क्या दादा बाबू? मेरी गलती ये थी दादा बाबू कि मैंने इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके उनको समझाया. मतलब महाजन और उसकी नींदें तो आपने उड़ाई हैं, तो अब चाय की जरूरत तो हम जैसे लोगों को होनी चाहिए, आपको थोड़े ना. रियली? मैंने महाजन की नींद उड़ा दी है? अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारे सपनों में भी आने लग गई हूँ. अगर मैं हाँ कहूँ तो? वैसे आप जो झटके दे रहे हैं ना महाजनों को मीटिंग के अंदर, देखिए मैं आता नहीं हूँ लेकिन खबर मुझ तक जरूर आती है. तो फिर मतलब तुम्हारा भी यही सवाल होगा कि मैंने मिस्टर भानु प्रताप महाजन को इस प्रोजेक्ट का लीडर क्यों बना दिया, राइट? नहीं, ये सवाल बाकी लोगों का है. मेरा सवाल थोड़ा अलग है. पूछो क्या सवाल है तुम्हारा. आप ठीक है ना? पता नहीं, कहते हैं कि जब कोई एहसास दिल पे बोझ बन जाए तो उसे ना सामने वाले से शेयर कर लेना चाहिए. उससे क्या होता है ना कि आपका दिल हल्का होता है. लेकिन अगर शेयर करने का मन ना हो तो सब कुछ वक्त पे छोड़ दो, क्योंकि वक्त ऐसी ताकत है जो कोई ना कोई राह जरूर निकालेगी. हालांकि मेरा मानना ये है कि वक्त पे छोड़ना ज्यादा बेटर है. इतना सब्र कैसे है तुम में नील? मुझ में नहीं है इतना सब्र, नहीं हो रहा मुझसे. मुझे बचा लो नील, प्लीज मुझे थाम लो. नील, मैं ही तुम्हारे घर पे काम. पहले दिन से जानता हूं कि तुम ही मेरी हुई, तुम ही हो नील की हुई. नहीं 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 नहीं, मैं इतनी बुरी चाय तो नहीं बनाता मिस मुल्तानी जी, आप ट्रांस में चले जाएं. नो, नहीं नहीं, वो चाय की बात नहीं है, मैं बस कुछ और सोच रही थी. फोकस युविका, फोकस, अपने मकसद पे फोकस कर. क्या हुआ, पता चला?
वो ओवर स्मार्ट लड़की कौन थी जिसने दादा बाबू को किडनैप किया था? रिलैक्स, सब पता चल जाएगा. गिव इट सम टाइम. चलो. कम इन. सर, वीडियो देखिए. मेरा नया दुश्मन जिसको मेरे सारे मूव्स के बारे में पता है. मयंक जी, ये फुटेज मैंने पहले भी देखी हुई है. तुमने मुझे फोन करके क्या कहा था कि तुम्हारे पास ठोस सबूत है? तो नहीं, फुटेज मुझे कब दिखाओगे? मेरे चिल्लाने का इंतजार कर रहे हो? आई नो सर, ये वही वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में मैंने एक कमाल की चीज ढूंढ निकाली है. ये देखिए सर, इस एम्बुलेंस को ध्यान से देखिए. ये एम्बुलेंस मार्केट की तरफ जाएगी और सिग्नल पर रुक जाएगी. एक मिनट सर, मैं आपको इसका जूम फोटो दिखाता हूं. ये आंखें जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.